संसद भवन में घुसने वाली नीलम आज़ाद और उनके साथियों को रिहा करवाने और उन पर लगी धारा UAPA को हटवाने के लिए विभिन्न संगठनों ने लघु सचिवालय हिसार के सामने किया प्रदर्शन। बेरोजगारी का कौन है जिम्मेवार? ये सरकार, वो सरकार, अदानी अंबानी की सरकार। बेरोजगारी का कौन है जिम्मेवार? बेरोजगार का कौन है जिम्मेवार? बेरोजगारी दूर न करके वो सरकार की कमी है। साधारण प्रदर्शन के रूप में नहीं ले सकते। उन लोगों ने साफ तौर से एक मैसेज दिया है कि एक टाइम जब अंग्रेजों की सरकार थी जो कहीं भी सुनवाई नहीं होती थी, तो अल्टीमेटली भगत सिंह गौर के साथियों को संसद में जाके एक सिंबॉलिक बम फोड़ने पड़े, अपने पत्ते बांधने पड़े। इन बच्चों ने और क्या किया है, इन लोगों ने और क्या किया? जब आपको पुलिस नहीं सुनती है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, कोई कर्मचारी नहीं सुनता है, बेरोजगारी इस लेवल पे हो गई है, तो इन लोगों ने भी तो यही किया है। आप इन बच्चों की हिस्ट्री उठा के देखो, ये क्रिमिनल नहीं है, ये इनके इतिहास में कहीं भी आपको अपराध नजर नहीं आएगा। और वहां भी इन्होंने कोई आपराधिक घटना नहीं की है, इन्होंने केवल वही कानून तोड़े हैं जो कानून तोड़ने बहुत जरूरी थे। संसद में घुसे हैं तो पास ले घुसे, आपके बीजेपी के MLA ने आपको पास दिलवाया है, तो वहां भी उन्होंने कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, किसी को हानि पहुंचाने का काम नहीं किया, अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने का काम किया है। तो बिल्कुल साफ है कि इस सरकार को ये समझना चाहिए कि आम आदमी अब उस लेवल पे आ गया है या सरकार अब उस लेवल पे आ गई है। अब की सरकार अंग्रेजों के लेवल को पार कर चुकी है और जो दमन और तानाशाही है वो फैल सकती है, अब जनता की अंग्रेजों के टाइम से ही पार हुई, तो अब ये होना ही था। बढ़ेंगी ये चीजें, क्या वो रोक पाए थे? उनको भी जाना पड़ा था कि जो UAPA का जिस प्रकार से दुरुपयोग है, या मांग UAPA को भी खत्म किया जाए। देखो, इन पे रद्द किया जाए। UAPA तो स्टेट का एक टूल है कि जहाँ पे आपको किसी की आवाज़ दबानी है, दमन करना है कि आपने, आप पत्रकारों के ऊपर UAPA लगाते हो, आप आंदोलनकारियों पे लगाते हो, किसानों पे लगाते हो, क्या है ये तो कौन सा आतंकवाद है, कौन सी ऐसी गतिविधि कर दी है जो क्रिमिनल एक्ट में आ रही है? तो UAPA तो ये मान के चलो कि इस टाइम सरकार अपराधी है, बिल्कुल साफ है। एक अपराधी सरकार अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करती है। और नीलम आजाद की माँ से और उनके परिवार से हम लोग मिले हैं, तो जिस तरह से नीलम आजाद की माँ ने अपना दर्द बयां किया कि मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए मेरी सारी जवानी लग गई, तो उसके मेहनत कर करके कितनी महंगी किताबें पढ़ाई और करके उसके पास रोजगार नहीं है, तो इस तरह से नीलम जो है, असल में जिस तरह से सरकार किसानों की, किसान जब दिल्ली में गए तो उनके सामने किले रोक दी गई, जब मजदूर गए तो उनको रोक दिया गया, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो इस तरह से हर किसी को रोक के सरकार जो तानाशाही दिखा रही है, इस वजह से तो नीलम आजाद और उसके साथियों का तो गुस्सा था, वो बेरोजगारों का गुस्सा था, जो एक युवा जो जकड़न महसूस कर रहा है उसका गुस्सा था। उन्होंने वहाँ पे जाके ना कोई ऐसी मतलब घटना की, ना कोई वेपन था, तो नहीं लगता कि उनके ऊपर UAPA लगना चाहिए। उनका जो प्रदर्शन था वो एक तरह से जायज हम लोग मानते हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता बना के राज्य कमेटी मेंबर। और आपको मैं बता दूं साथियों कि इस लड़ाई को, नौजवानों की लड़ाई को देश के गली गोली घर घर कोने कोने में लेके जाएंगे किसान और मजदूर, नौजवान साथी, छात्र, मजदूर, किसान, नौजवान, एकता, जिंदाबाद, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करो। नीलम आजाद और उसके पांच साथियों पर UAPA का मामला रद्द करो।